क्या आप जानते हैं कि शीशम न केवल फर्नीचर बनाने वाला एक प्लांट है, बल्कि यह है विशेष औषधीय ट्री भी है। 15 से 20 फीट तक इसकी ऊंचाई हो जाती है। सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में पाया जाता है। फैबेसी की कुल का है और इसका डेलबर्जी या शिशु के नाम से जाना जाता है। इसके पत्र, छाल और इसकी लकड़ी सभी इस्तेमाल किए जाते हैं औषधीय गुणों के कारण। इसके पत्र ओवाइड टू एक्यूट इसका मार्जिन होता है और इसके डेसीडुअस ट्री है ये। इसके अंदर डेलबर्जिन, मिथाइल डेलबर्जिनोन, आइसो डेलबर्जिन और इसके जो असेंशियल ऑयल होता है उसके अंदर बिस्बोलिन एंड निरोडियोल पाया जाता है। इसकी एंटी एमिटिक एक्टिविटी होती है। एक्सपेक्टोरेंट का कार्य करता है। एक्सपेक्टोरेंट का कार्य यह है, कफ को पतला करके निकालता है और यह अबोर्टिफिशेंट भी है। कारण यह है कि यह स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। कई बार खिंचाव हो जाने से पेट में दर्द हो जाता है, जिसके लिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मिफिनामिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेफ्टल स्पास के नाम से मार्केट में मिलती है। इसके जगह हम इसका स्वरस 10 से 15 ml दे सकते हैं, जो कि वही कार्य करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, पेट में खिंचाव हो गया हो उससे निजात दिलाता है। इसके साथ साथ यह हर्निया में भी इम्पोर्टेंट कार्य करता है, कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करता है और स्मूथ जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। विभिन्न प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स में, लेप्रोसी में, ल्यूकोडर्मा में, जिसमें स्किन के ऊपर वाइट पैचेस हो जाते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल हार्मोन को ये रेगुलेट करता है। सर्वाइकल कैंसर में भी इसका डिकॉक्शन दिया जाता है। यह एफ्रोडाइसिक भी है और यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। गोनोरिया हो, मिनोरेजिया हो, ये समस्याएं भी इसके स्वरस के सेवन से दूर हो जाती हैं। पशुओं में कई बार देखा ही गया है कि उनके यूरिन से ब्लड आता है, खून का आना पशुओं के पेशाब में। तो ऐसे एनिमल्स को, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब को इसके पत्र खाने के लिए उनके भूसे में मिला देना चाहिए। आसानी से यह है इस समस्या को ठीक कर देता है। और भी नए नए शोध के माध्यम से पता चला है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, हीमोस्टेसिस का जो कि कार्य करते हैं, रक्त को जो लॉस होता है उससे बचाते हैं। तो इस दृष्टि से ये प्लांट मनुष्यों में और पशुओं में इस्तेमाल किया जाता है। एक म्यूसिलेजिनस मटेरियल इसके अंदर होता है, जो कि शरीर को पोषण देने का कार्य भी करता है। और फिर हम आपके लिए एक नए प्लांट के साथ आएंगे और इस नए प्लांट में आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्लांट को हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।